हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है, उन लोगों ने ट्राई किया है ऑनलाइन मेंबरशिप लेने के लिए SWA का, लेकिन उन्हें बहुत सारी परेशानी आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया है कि उन्हें परेशानी आ रही है और किस तरीके से मेंबरशिप को ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है कैसे आप मेंबरशिप ले सकते हो, कैसे आप अपने गाने को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ये वीडियो जो मैंने डाला है 1 साल पहले डाला है, बहुत कुछ चेंज हो गया है जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम फिर से जानेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हो और क्या परेशानी आ रही है, क्या इंटरफेस चेंज हुआ है, उसको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस कहाँ क्या चेंज हुआ है और क्या आपको परेशानी हो रही है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि SWA का मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा कैसे आप अपने गाने को और स्टोरी को रिस्टार्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से हम SWA का मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके लिए सिंपल हम पहले SWA की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे SWA। जैसे ही आप डालोगे तो भी ये सर्च कर लेगा और ये देखिए सबसे पहला स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का जो वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ये इंटरफेस आपको देख रहे हो, ये इस तरह का इंटरफेस अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन ये देख रहे हो फॉर मेंबरशिप, ये देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर मेंबरशिप फैसिलिटीज एंड बहुत कुछ अभी चेंज हो गया। वाकई में SWA ऑफिस बहुत कुछ चेंज हो गया पहले से, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मेंबरशिप ले सकते हो और जिन लोगों को परेशानी हो रही है अभी नया इंटरफेस आने के बाद उनको मेंबरशिप लेने में, उनका जो भी क्वेरी था उस पर हम बात करते हैं। तो सिंपल आपको बीकम ए मेंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बीकम ए मेंबर और SWA मेंबरशिप रूल्स है और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आपका अप्लाई ऑनलाइन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में कुछ बातें कह रहा है कि किस तरीके से आपको भरना है और भरने के बाद आपको एक लिंक जाएगा आपके मेल में जिसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। थर्ड में कह रहा है कि मेकिंग पेमेंट, उसके बाद आपको SWA का मेंबरशिप एक नंबर मिलेगा। तो कैसे भरना अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन। आपको सबसे पहले एक ईमेल डालना है, देखिए जो इस तरीके से आप ईमेल डाल सकते हो। मैंने एक डमी टाइप पे डाल कर रखा है abc@gmail.com। आप अपना ईमेल आईडी डालना, जो भी आपका होगा ईमेल आईडी वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी नंबर है वो नंबर आपको डालना है जो आप मोबाइल यूज करते हो, लेकिन हमेशा याद रखना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही आप यूज करो जो हमेशा आप यूज करते हो। ऐसा नहीं कि बाद में आपने बंद कर दिया, मोबाइल बंद हो गया या फिर ईमेल आपका बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मेंबरशिप कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए लाइव मेंबर है, रेगुलर मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है, फेलो मेंबर है। ये देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप पहली बार अगर आप मेंबरशिप लेने जा रहे हो तो आपको फेलो मेंबरशिप दिया जाएगा। ठीक है, तो फेलो मेंबरशिप दिया जाएगा तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन तीनों के लिए, जैसे ऊपर से लाइव मेंबरशिप, रेगुलर मेंबरशिप और एसोसिएट मेंबर के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में होता है कि जैसे आपके गाने, आपके कुछ आर्टिकल कोई छपा हो कहीं, ये सब, या फिर कोई लिख के देता है कि ये मेरे लिए लिख रहा है, गाने लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहा है, कोई प्रोडक्शन हाउसेज अपने लेटर राइट पर लिख के देते हैं तो एक वैलिड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर आप मेंबरशिप लेने जा रहे हो, पहली बार अगर आप मेंबर बनने जा रहे हो, आपको ये मिलेगा फेलो मेंबरशिप। ठीक है, आपको फेलो मेंबरशिप सिलेक्ट करना है क्योंकि आप पहली बार आप मेंबरशिप ले रहे हो। यहाँ पे आपको अपना फुल नाम डालना है, जो भी नाम है आपका कुछ भी डाल दो। मैं फिलहाल आपको रमेश डाल देता हूँ, रमेश कराना, ऐसा कुछ भी मैं हमने नाम डाल दिया। ये मैं जो भी है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेंबरशिप है तो मैं नहीं डाल सकता। यहाँ पे मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक डमी नाम डाल के आप अपना ओरिजिनल नाम डालना। उसके बाद देखिए पेन स्क्रीन नेम, यहाँ पे पेन स्क्रीन नेम का मतलब होता है जैसे आपका ओरिजिनल नाम है रमेश राणा और आप किसी और नाम से भी जाने जाते हो, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में लोग दो दो नाम होते हैं, एक ओरिजिनल नाम अलग होता है और उनका निकनेम यानी कि जो इंडस्ट्री में फेमस किसी और नाम से होते हैं। तो अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो आपको आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा। क्या लिख रहा है, यू विल रिक्वायर टू सबमिट एन एडिशनल एफिडेविट ऑन NIR। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका दूसरा कोई नाम है तो 100 रुपीज का जो स्टैंप होता है पेपर,
उस पे एफिडेविट करके आपको इस पे लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये वैलिड होगा अगर आप कोई दूसरा नाम डालते हो तो, या फिर आप इसको अगर आपका नहीं नाम है तो ऑप्शनल लिखा हुआ आप इसको छोड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे फिर है एफिडेविट फॉर पेन, यहाँ पे आपको एफिडेविट अगर आपको ऐसा नाम डालते हो तो आप यहाँ पे एड फाइल करोगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। देखिए आगे ना सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम डिवाइस, तो अभी फिलहाल हमें नहीं करना है, तो यहाँ से आपको एफिडेविट डालना पड़ेगा। अगर आप निक नेम डालते हो तो उसका प्रूफ 100 रुपीज के स्टाम्प पे पेपर पे वो एक एफिडेविट बना के आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, तो सिंपल ये सब सिंपल काम है। यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करना है एड फाइल, और जो भी आपका जहां भी पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा वो फोटो आपको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ सिलेक्ट फाइल करोगे तो ये देखिए डेस्कटॉप पे जहां से भी, अगर आप मोबाइल से भी कर सकते हो तो ज्यादा ये नहीं है, फिलहाल मुझे नहीं करना, मैं आपको केवल बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये हमने कट करके ऐसे आपको फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ एनी वन ऑफ दिस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना है, वोटर आईडी डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, पासपोर्ट, आधार, किसी कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है, उसको भी सेम ऐसे आपको एड फाइल करना है। और जहां भी आपका लोकेशन है, जिस लोकेशन में जहां पे डेस्कटॉप पे कहां पे आपने रखा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एज प्रूफ है, एग्जैक्टली एज फॉर योर फोटो आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे आपको जो भी आप आईडी दोगे फोटो प्रूफ, सपोज आपने पैन कार्ड दिया, वोटर आईडी दिया, उस पे जो एज है जितना वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, डीडी एमएम वाई वाई, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद आपको सेक्स डालना है, सेक्स में आप मेल हो फीमेल हो या अदर है तो आप जो भी हो वो डाल सकते हो। फादर और मदर्स नेम में आप सबमिट द कंप्लीट नेम ऑफ आइदर योर फादर और मदर, यहाँ पे आपको या तो माँ या पिताजी का कोई पूरा नाम आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका नाम होगा मम्मी पापा का किसी एक का आप नाम डाल सकते हो। उसके बाद परमानेंट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे एग्जैक्टली एज पर योर एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ डालना है, जो कि कभी भी इन फ्यूचर एसडब्ल्यू कोई भी चीज आपको भेजेगी या कोई कोऑर्डिनेट करना चाहेगी तो आपको यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसका परमानेंट एड्रेस प्रूफ भी आपको डालना पड़ेगा। एनी वन ऑफ दिस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जितने भी आप देख रहे हो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो भी है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट आपको यहाँ पे एड करना पड़ेगा, या फिर आधार कार्ड आपको एड करना है, ये एड्रेस प्रूफ यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, तो वो आपको एक चाहिए उनको एक प्रूफ के लिए, तो आपको सिंपल ऐसे जैसा पहले मैंने बताया ऐसे आपको ये करना है, एड फाइल करना है, सिलेक्ट फाइल करना है जहां से भी आपने रखा है गैलरी में या फिर डेस्कटॉप पे, उसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबमिट डिटेल्स ऑफ योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो आपने क्या किया है, मैट्रिक किया है, 12वीं पास है, इंटर जिसे आप कहते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किया है, एमए किया, जो भी किया क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सबको, अगर बीए आप लिख सकते हो ऐसे, आप ऐसे बीए जो भी अगर आप, या फिर आप सिंपल यहाँ पे आप ग्रेजुएशन, इस तरह से ग्रेजुएशन आपको लिखना है। उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जैसे होता है आपने परमानेंट एड्रेस दे दिया लेकिन एक और ऑप्शनल एड्रेस अगर आप उस पर नहीं, अगर आप अवेलेबल है तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको चाहिए देना पड़ेगा, तो वो आपका जो भी होगा वो एड्रेस, या फिर सेम एड्रेस भी आप डाल सकते हो, अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एलिजिबिलिटी प्रूफ, यहाँ पे आपको पीडीएफ और ऑप्शनल, ये देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एज एलिजिबिलिटी प्रूफ फॉर एसोसिएट, रेगुलर और लाइफ मेंबर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप फेलो मेंबरशिप के अलावा दूसरे में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो रेगुलर या फिर लाइफ मेंबरशिप या एसोसिएट मेंबरशिप, तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। हालांकि ये तब का है जब फेलो मेंबरशिप आप एक बार ले लेते हो, उसके बाद ही आप रेगुलर या एसोसिएट या फिर लाइफ मेंबरशिप ले सकते हो, तब तक आपको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी कैसे आपको क्या करना है, लेकिन फिलहाल हम फेलो मेंबरशिप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई जो किया है ऑनलाइन उनको दिक्कत हुई है, तो सब पहली बार अप्लाई कर रहे थे मेंबरशिप लेने के लिए, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्या किया है फेलो मेंबरशिप, ये देखिए हमने ऊपर में क्या सिलेक्ट किया है फेलो मेंबरशिप, तो फेलो मेंबरशिप के लिए हम बात करें तो हमें फिलहाल इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तीनों जो एलिजिबिलिटी प्रूफ मांग रहे हैं इसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। अब यहाँ पे
एलिजिबिलिटी प्रूफ वीडियो लिंक ऑप्शनल, यहाँ पे ऑप्शन है अगर आपके पास कोई लिंक है, वीडियो लिंक डालने होने का है तो आप वो अगर है तो यहाँ पे यस कहो, या फिर आप ऑप्शनल है तो छोड़ सकते हो। जीएसटी डिटेल्स, शेयर योर जीएसटी नंबर इफ यू विश टू क्लेम क्रेडिट इनपुट बेनिफिट्स ऑन द पेमेंट ऑफ न्यू एडमिशन फीस। यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो डाल दो, अगर न था नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। और ये सब करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, ये करके आपको यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, इससे आगे मैं प्रोसीड नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि ये यूट्यूब का चला जाएगा ऑनलाइन, तो जैसे आप सबमिट करोगे वहां पे सबमिट होने के बाद फिलहाल करके दिखाते हैं क्या होता है। देखिए ये एरर बताएगा ना, क्योंकि हमने सब कुछ भरा ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेंबरशिप है तो मैंने नहीं भरा। इतना भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका सबमिशन हो जाएगा, वहां पे सब कुछ वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको एक मेल आएगा, जिस मेल के थ्रू जो भी मेंबरशिप चार्ज होगा, हालांकि अभी आई थिंक 3000 के आसपास होना चाहिए, जो भी मेंबरशिप चार्ज होगा वो चार्ज आपको लिंक, उस लिंक पे जो आपको मेल में लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको मेंबरशिप दे दिया जाएगा, आपको जो भी उनका नंबर होता है मेंबरशिप नंबर आपको एक मिल जाएगा, और आप राइटर एसोसिएशन के यानी कि स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के आप मेंबर बन जाओगे। और यहाँ पे भी हम जैसे ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू हम देख लेते हैं, आपको कुछ मैं और बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ से रजिस्टर्ड योर वर्क, आप इस तरीके से बहुत लोग पूछते हो कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ और अपने गाने को रजिस्टर कर सकता हूँ, तो वहां से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको पहले मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने आईडी पासवर्ड से इसमें लॉग इन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। वो अगली वीडियो में मैं जरूर उसको भी कवर करूंगा फिर से। यहाँ देखिए कुछ ये है बिकम मेंबर, ये बहुत कुछ है लंबा, इसमें प्रोसीजर है ये सब, SWA मेंबरशिप टाइप्स, ये देख रहे हैं ना, बहुत लंबा भी है, इसको पढ़ने में बहुत काफी टाइम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक है मैं बता देता हूँ, एड्रेस प्रूफ में स्कैन स्क्रीनशॉट पीडीएफ फाइल ऑफ एनी ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब है। और फॉर एसोसिएट मेंबर के लिए आपको देख रहे हैं ना, इन एडिशन 1, 2 and 3 लिस्टेड फॉर बिलो मेंबरशिप एप्लीकेंट्स विल रिक्वायर एप्रोप्रिएट एलिजिबिलिटी प्रूफ ऑफ द रेस्पेक्टिव मेंबरशिप कैटेगरी एज डिफाइंड अबव। उसके बाद एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, ये सब बहुत लंबा इसमें है, हालांकि ये सब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पेमेंट की मैं आपको बात बता दूं, जो मैंने बताया कि पेमेंट कितना है, फेलो मेंबरशिप के लिए आपको 3,286 रुपया भरना पड़ेगा, वैलिड 3 इयर्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एसोसिएट मेंबर के लिए आपको 4,286 रुपया होता है, जो कि 3 इयर्स के लिए होता है, रेगुलर मेंबर के लिए 7,690 1 ईयर के लिए होता है, और लाइफ मेंबर के लिए 31,000 है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको एक बार भर देंगे तो फिर आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SW मेंबरशिप कार्ड रिन्यूअल का 50 रुपया लगता है, पोस्टल चार्ज नील है, पोस्टल चार्ज सेंडिंग SW मेंबरशिप कार्ड आउटसाइड मुंबई, मुंबई से बाहर अगर आप मंगाते हो तो 70 रुपया आपको चार्ज देने पड़ेंगे। पोस्टल चार्ज यहाँ पे 300 रुपया है, SW कार्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर अगर आप मंगाते हो तो। इसके बाद देखो फेलियर टू एसोसिएट 1,000 रुपया, फेलियर टू रेगुलर 4,500 और फेलियर टू लाइफ 18,000। ये सब पूरा आप देख रहे हो ना, इस तरीके से ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और पेनाल्टी है अगर आप मेंबरशिप आपको मिल गया है और आपने टाइम पे पैसे नहीं भरे तो आपको फाइन देने पड़ेंगे 6 महीने तक, अगर आपने नहीं भरा है आपका जो एक्सपायरी के बाद, अगर 6 महीने तक आपने नहीं भरा है तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपको फाइन। लेकिन 6 से 18 महीना हो गया तो आपको 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा, 18 से 24 महीने यानी 2 साल हो गया तो 1,000 फाइन देना पड़ेगा, और आफ्टर 24 मंथ्स अप्लाई फॉर री सब एडमिशन, उसके बाद 2 साल अगर आपने नहीं भरा तो आपको फिर से मेंबरशिप लेने के लिए कह रहा है। उसके बाद स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन टाइमिंग एट SW ऑफिस, ये आपका टाइमिंग बता रहा है यहाँ पे, 2 से 5, 5:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है ट्यूजडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और पेमेंट्स है, कैश चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो, तो ये सब है। इस तरीके से बेसिक जो मुझे बताना था मैंने सब कुछ बता दिया, इसमें बहुत कुछ है लंबा, ये सब उनके टर्म्स एंड कंडीशन है कैसे। तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ले सकते हो। इसके बावजूद भी जिन लोगों को परेशानी हो रही थी वो लोग, इस तरीके से आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद
फिलअप कीजिए। बहुत सारे लोग गलत ये करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते, उनको लगता है बेसिक तो मैंने देखा थोड़ा सा और समझ के अब मैं कर लूंगा, वहीं पर परेशानी होती है। आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बावजूद भी अगर अब भी किसी को परेशानी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी जरूर पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखा आपने, बहुत आसान है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी बीत गया है बीच में, जिसके कारण बहुत कुछ SW ने चेंज कर दिया अपने इंटरफेस पे, जिसके कारण ही लोगों को परेशानी हो रही थी। हालांकि उस पर मैंने अब वीडियो बना दिया, प्रैक्टिकली आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और जाते जाते एक बात, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ भी आपको पूछना हो या फिर अगर मैंने कुछ बताना भूल गया है तो कमेंट कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ तो आपको भी आसानी से मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले सके। चलिए, टेक केयर।